लगातार कोरोना प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है, उसको लेकर हरियाणा का रोडवेज विभाग भी चौकन्ना हो गया है। इसके लिए हरियाणा रोडवेज ने भी पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कोरोना को लेकर जिस प्रकार सारे विभाग तैयारी कर रहे हैं, रोडवेज भी अपनी तैयारी कर रहा है। रोडवेज के सभी जीएम को कोरोना समय में एहतियात बरतने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर विभाग तो कदम उठाएगा ही, लेकिन इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा और मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। वहीं उन्होंने बसों में भीड़ के बढ़ने पर कहा कि भीड़ को देखते हुए बसों की संख्या में इजाफा करा दिया जाएगा ताकि बसों में भीड़ ना बढ़ सके। लगातार बढ़ रहा है, हरियाणा रोडवेज ने क्या तैयारियां की हैं लोगों की सुरक्षा के लिए? कोरोना जो है दूसरी बार फिर पूरे प्रदेश में फैल रहा है और उसकी जो हरियाणा रोडवेज है वो तो तैयारी है भी, हर आदमी से कहते अपने फेस मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करके रखें। और बस में क्या है कि ज़्यादा हमने भी बस में ज़्यादा भीड़ ना हो, लोग ज़्यादा ना हो, तो इसकी भी हर जीएम को हमने कहा है भाई इस तरह की एहतियात रखें, जहाँ बस ज़्यादा वहाँ भी फालतू चला, जहाँ ज़्यादा भीड़ का इलाका है एक बस चल ले दूसरी और चला दें। पर इसके लिए लोगों को खुद तैयार होना पड़ेगा। हरियाणा रोडवेज की बात है, वो हरियाणा रोडवेज अपने इस पर काम करेंगे हम, इस पर भाई लोगों को इस तरह की बीमारी ना फैले, पर लोगों को खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फेस मास्क लगा गए, अपना वैक्सीन है वैक्सीन लगवाएं, दूसरा अपना सैनिटाइजर है, तो इसकी भी जिम्मेदारी लोग स्वयं निभाएं कि जिससे लोगों में बीमारी ना फैले। सर, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, आमतौर पर रोडवेज की बसेस में देखा जाता है 50 से अधिक सवारियां भी होती हैं, तो क्या उसको लेकर कोई डायरेक्शंस जो हैं वो जीएम्स को दी गई हैं? नहीं, हमने कहा भी अपने जहां जहां पे बस ज़्यादा इस तरह की समस्या और बस चला दें, जहां 10 बस चलते 3 बस और चला देंगे रूट पर उस पर कि बस ज़्यादा भीड़ ना हो। सर, पिछली बार भी देखा गया था कोरोना काल के कारण जब रोडवेज बंद हो गया था पूरी तरीके से तो काफ़ी घाटा हुआ था, इससे भी कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ बढ़ेगा रोडवेज पर? प्रदेश में कोई बीमारी हो, प्रदेश में कोई आंदोलन हो, प्रदेश में किसी कोई भी इस तरह का हो, वो हरियाणा रोडवेज उसका प्रभाव पड़ता है। चाहे किसान आंदोलन हो, कोई दूसरा मामला हो, धरने प्रदर्शन हो, तो हरियाणा रोडवेज पे सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है। सर, किसान आंदोलन की बात की, किसान अभी भी लगातार अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं, नेताओं का विरोध जो है वो लगातार हो रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये किसान नहीं है, कुछ लोग वो हैं जो दूसरे दलों के लोग हैं, कुछ किसान हो सकते हैं। किसान तो अपने काम में लगा हुआ है, अपनी फसल को अपना मंडी में पहुंचाने का कटाई है ढुलाई उस पर लगा, पर कुछ लोग हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो अपना धरना प्रदर्शन करें, किसी एमएलए का घराव करना, मंत्री का घराव करना, किसी दूसरे से जाना, ये मर्यादा के खिलाफ। अभी हाल ही में सांसद नायब सैनी है, उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया गया, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, इस तरह के कोई भी अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये थोड़ी कि किसी के जाने करो, कोई शादी में जाना है, कोई ब्याह में जाना है, कोई फंक्शन जाना है, कोई कार्यक्रम है, किसका अधिकार है? सरकार ने किसी को रोका, किसी किसान को भी धरने से प्रदर्शन से कोई रोका नहीं, पर इस तरह का जो लोग करेंगे, कानून अपना काम करेगा और सख्ती के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे जो अपने कानून हाथ में लेगा, आम आदमी के जो काम में बाधा डालने का प्रयास करेगा, कोई अपनी बात कहने का प्रयास उसमें बाधा डालेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और ऐसे लोगों को हमने हो गया 3 महीने से उनकी बात सुनने, 4 महीने बात सुनने, अपनी बात है, अपना धरना है, प्रदर्शन रखिए, अपनी बात रखिए, मीडिया के सामने जाइए, अपने जो भी अपने वो करिए, पर इस तरह से नहीं है किसी का विरोध करना, किसी विधायक का, एमएलए का, एमपी का, मंत्री का विरोध करना, ये तो परंपरा डल जाएगी। सर, धान को लेकर आपको लगता है इस बार जो परचेज है वो प्रॉपर होगी, क्योंकि किसानों के मन में एक संशय है कि किसानों की फसल का भुगतान मंडियों से एमएसपी पे नहीं मिल रहा? ये धान आने वाले समय, धान का समय लगा, अभी तो गेहूं जो आ रही है, जो गेहूं की है, जो सरकार रही है, वो 1975 रुपये गेहूं का रेट है, वो देंगे क्यों नहीं? किसानों को संशय इस तरह की रहनी नहीं चाहिए और ना इस तरह की सोच करनी चाहिए भाई, इस तरह से कोई, इस तरह जो मनोहर जी ने कहा है, प्रदेश की सरकार ने जो कहा है, सरकार अपने उसका पालन करेगी और इन चीजों को ध्यान।
ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।